नमस्कार, मैं आरजी न्यूज़ चैनल से बरेली ब्यूरो चीफ अभिजय शर्मा। आज मैं पहुंचा हूं यहां पर कोटा बट्टा है, जहां उनके गांव में सिंघा गांव है ये, और यहां पर कोटा बांटते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, भैया दिखाना जरा कोटा कहां बटता है। तो यहां पर कोटा बांटने को लेकर यहां पर कुछ विवाद हुआ था, जो मारपीट हुई थी, और वो एक महिला के साथ जो महिला की धोती को उसने उतारने की कोशिश करी थी, और उसमें कुछ लोग हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या हुआ था मामला, और क्या क्या किससे मारपीट हुई थी, और जो महिला थी उनकी धोती क्या किस तरह से उतारी गई थी, और क्या बात हुई थी। मैंने उनसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सचिन। क्या हुआ था? जब कोटा लेना था, हिमपत जी ने कोटेदार ने मारपीट की और हमारा राशन कार्ड खारे कर फेंक दिया। अब वहाँ पर अंगूठा लगाने के लिए जगह नहीं है, हाथ में ना पहुँचता, मशीन हम कैसे खोद देंगे? मशीन खुद कोटेदार ने अंदर से लाकर हेम पर खोरी मशीन। तो ये महिला के साथ हुआ है जो विवाद, वो कौन है? वो मेरी मम्मी है, अब्दुल शामकुल सिंह, गजेंद्र सिंह, मनोज सिंह, जे सब है, और जिनके लड़का है वो ही, जिनमें सब ने मारो मिलकर। तो महिला के साथ मारपीट हुई, उन्होंने के साथ मारपीट हुई। हाँ, तो इसमें क्या बोलते हैं आपकी, ये कोई कार्रवाई हुई थाने से? थाने से कोई कार्रवाई नहीं थी। ये देखिए साहब, यहाँ पर कोटे यहाँ बढ़ता है, गरीबों को राशन बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, कोटेदार इस तरह से व्यवहार गलत है। जो महिला के साथ उन्होंने बदतमीजी करी कोटा बांटने में, ये बहुत गलत है। और मैं यही आपको दिखाने आया था कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने से। ये लोग जो पीड़ित पक्ष हैं, ये हर जगह घूमे आए, अधिकारियों के पास, सीओ साहब जो औला बैठते हैं वहाँ भी घूमे थे, ये गए थे वहाँ पे, उसके बाद डीएम साहब के पास भी गए थे, और एसएसपी साहब के पास भी दो चक्कर लगा चुके हैं, दो बार घर जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाना इंस्पेक्टर जो भमूरा के हैं, वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और पीड़ित वर्ग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैं अभिजय शर्मा, बरेली ब्यूरो चीफ अभिजय शर्मा, आरजी न्यूज़ चैनल के लिए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। कहाँ रहते हैं आप? हम से कहाँ पर रहते हैं? थाना भमूरा। अच्छा, ये जो नन्नी हैं और सचिन, इनका यहाँ पर कोटे लेने आए थे वो लोग, तो क्या क्या विवाद हुआ था? जैसे कि उस दिन राशन बट रहा था, तो लाइन लगी, सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, लाइन लगी थी, वो आए एक साथ, वहाँ लड़के तो बोले वो पहले हमारा अंगूठा लगवा, तो हमारा बेटा जो बोलो आप जो पीछे खड़े हो जाओ लाइन में, हम कायदा से काम करेंगे। इतने पर वो लोग गाली देकर, वो लड़का भाग गो। कौन भागा गाली देकर? सचिन। उसके बाद में चार पाँच लोग आए, आने के बाद सीधे अंदर घुस गए, अंदर घुसने के बाद में हमारे बच्चे से मार तोड़ दी, उन्हें मार तोड़ करने के बाद में उठा के मशीन तोड़ दी। किसने तोड़ी मशीन? सब लोग थे वो तो हमारे बालक को पीटा। नहीं, नाम क्या है उनके, जो मशीन जिसने तोड़ी उसका नाम क्या है? मशीन तोड़ने में सभी लोग थे, चंद्रवीर है, हरगोविंद है, सचिन है, होली लाल है, उनकी पत्नी, सब लोग है। अच्छा, तो हमारे बेटा ना पापा करके आवाज़ लगाई है, तुम हम उधर से इधर आए। अच्छा, जो ये नन्नी है उनकी जो धोती पकड़ रहा है कोई, वो आपने पकड़ी थी क्या? धोती माने नहीं पकड़ी, वो तो उसकी उनकी वो उस पर लग गई थी धोती। अच्छा, जो हमने सोशल डिस्टेंस के लिए वो लगाई अपनी, उसमें उनकी साड़ी फंस गई है। अच्छा, तो वो धोती मतलब आपने हटाई थी इसे? हमने उस पर जो उनकी साड़ी उस पर फंस गई, हमने उतार जैसे वहाँ से उनके ऊपर कर दी। आरोप है कि मतलब जो भी कोटा देते हैं आप उसमें से मतलब कम बैठता है, कम देते हैं कोटा लोगों को? हम कम क्यों देते हैं, हम तो पूरा तोल के देते हैं। जनता आरोप लगा रही है जो भी कोटा ले, ये आरोप झूठा लगा दिया है। अच्छा, जनता कि जब भी वो वहाँ से पूरा बैठता है, जब हम इधर लाके देखते हैं तो उसमें कम निकलता है, उनके तराजू में गलती है। तो वो हमारे तराजू चेक करवा लेना आगे, तराजू रखो तो अपना तराजू ले आए, हम अपने तराजू से ले जाए। और कुछ आरोप ये लगे कि कोटेदार कार्ड वोड नहीं बन रहे हैं, काफ़ी समय से कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो उसमें कुछ पैसा भी मांगते हैं? हम कोई कार्ड नहीं बनवाते हैं, केवल ऑनलाइन से कार्ड बनते हैं। नहीं, ऑनलाइन कराने के? ऑनलाइन मैं नहीं कराता हूँ, मेरे यहाँ जो है एक गोपाल नाम का लड़का वो है, उनके वो साफ चल रही है, उसको वो ऑनलाइन कराते हैं। अच्छा, वो चला कराते हैं? हम कोई नहीं, हम ना किसी का जो आरोप लग रहे हैं वो सब झूठे हैं, सब झूठे का आरोप है। ठीक,
क्या नाम है आपका? नन्नी देवी। कहाँ रहती हो? सिंघा। तो ये क्या बात हो गई थी आपके साथ? पहली तारीख को कोटा लेने गए, तई उन्हें कह दी दो तारीख कही, और दो तारीख को गए तो कह दी है कि कोटा को नहीं मिलेगा। 8 बजे से लागे लाइन में 2-3 बज गया। अच्छा, कोटेदार का नाम? गजेंद्र। तो फिर क्या हुआ? लड़का हुई है, लड़का का मारो पीटो, और कहीं हमें मार पीटी लिख रहे, वो भाजे आओ पुराने कह दें 100 नंबर खून करें, तो हमें मार पीटी लिख रहे। अच्छा, तो आपके साथ कितने मारपीट की? गजेंद्र ने, मनोज ने, और उनके दो लड़का है। अच्छा, तो आपके जैसे सचिन क्या कर रहे थे वहाँ? राशन ले रहे थे क्या? हाँ, राशन लेने गए सचिन और हम। अच्छा, आप दोनों गए थे? दोनों जने गए। फिर उसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी? हाँ। अच्छा, तो कितने बजे की बात है ये? 2-3 बजे सुबह के या दोपहर के? दोपहर के बाद में। दोपहर के बाद में। हाँ। अच्छा, तो उसमें और गांव वाले भी होंगे काफी? गांव वाले ये कुल ने हमारे मोहल्लों के और नौ कुटाई के और ये के। तो उसके बाद आपने पुलिस में सूचना करी? पुलिस में सूचना करी, पुलिस में गए, पुलिस वाले ने हमारी सूचना ही नहीं ली, तो सुनिए ना, सुनवाई नहीं हुई आपकी ना। अच्छा, और हमसे कह दिया कि वो दोनों पार्टी बंद हुई, कहीं फैसला कर लो ना, दोनों पार्टी बंद हुई। ये कौन कह रहा है फैसला कर लो भाई? ऐसो ऐसो साहब कह रहे हैं। हाँ। दबाव डाल रहे हैं आप पे? हाँ। अच्छा, मारो पीटे तई उनने मशीन तोड़ दी थी, बात मशीन तोड़ी। मशीन किने तोड़ी? मनोज ने और गजेंद्र ने। अच्छा, मशीन तोड़ दी? रामपुर ने तोड़वाई, रामपुर ने कही लायक मशीन और तोड़ दे। अच्छा। हाँ, इसे के हाँ, तो मैं थमाई को वीडियो बनाओ। फिर क्या हुआ? तई हमको मारो पीटो, तई हम उसे हुई है बेहोश। आपका? मेरा नाम होरीलाल है। होरीलाल, कहाँ रहते हो? सिंघा रहते हैं। सिंघा, ये कोटेदार का क्या मामला है? कोटेदार साहब बच्चे ये गला लेने के लिए गया। हाँ। पहली गया, दो तारीख को गया गला लेने के लिए। आपका बच्चा? हाँ, और घरवाली हमारी गई। घरवाली क्या नाम है? नन्नी देवी। अच्छा, क्या हुआ? तो अब वो बच्चा रोते आए, भागते वहाँ से आया, आने की मेरे लिए मारा और गला राशन कार्ड फाड़ दिया। हाँ। और भगा दिए मेरे लिए। तो किसने भगाया? किसने? गजेंद्र सिंह ने, मनोज ने। अच्छा, तो अब उसने कहा कि मैंने 112 नंबर कही, तो मैंने कॉल कर 112 नंबर आई साहब। जब इतनी आवाज़ सुन के हम भजे यहाँ से गए बजतवाए, तो देखे जाके वहाँ 112 नंबर भी आ गई। 112 नंबर सामने मैंने वहाँ ज़मीन से बेहोशी उठाया है। अच्छा, वहाँ ज़मीन पड़ी थी, आम लोग थे और 12 नंबर भी खड़ी थी, और थाने की पुलिस पहुँच गई। मैंने साहब उनके सामने 12 नंबर वहाँ से हाथ पकड़ उठाया उनकी बेहोशी में, सभी लोग पुलिस वाले मौजूद थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक आपके पास सवारी हो तो चलिए थाने के लिए। मैं थाने को आया साहब, और थाने आने के बाद में तो साहब ने पूछी क्या बात हुई कि हमारी पुलिस पहुंची ना पहुंची, हम साहब हमें नहीं मालूम। हमें 112 नंबर बाद में कही कि चलो थाने के लिए, थाने चले आए। थाने में सुनवाई हुई आपकी? थाने चले आए, थाने सुनवाई साहब कोई नहीं है, तो साहब बोले कि देखो बैठो ही। फिर बैठे जाके सब मशीन पूछी, तिरमंदर सिंह दरवाजी बुलाए कि ये मशीन किसने तोड़ी है। दरवाजी ने बोला कि अपने फ़ोन करके बुलाया, तो तिरमंदर सिंह दरवाजी बोले और पुलिस वाले बोले कि मशीन कूड़ेदान ने तोड़ी है, मनोज ने और गजेंद्र सिंह तोड़ी है। अरे साहब ने मशीन अलग को फेंक दी कि झूठा नाटक बनाने के फंसाने चले आते हो। और साहब सरकारी सत्ता दबाव में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और रिपोर्ट जो है कहना होगी उन लोग रामफूल जो हैं उन्हें की लिखी गई गजेंद्र सिंह की। आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी? आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, हम भागते रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। आपकी ये घटना कब की है? ये घटना हमारी 2 तारीख की है। 2 तारीख के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हो आप? अरे साहब हमारी झूठा आरोप हटाया जाए, और हमारी FIR दर्ज हो, और हम पर झूठा आरक्षण लगाया, पूरा गाँव इसका गवाह है। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। सचिन, कहाँ रहते हो? सिंघा। ये कौन है आपकी? नन्नी। क्या नाम है? नन्नी देवी। तो क्या हुआ था ये गांव में तुम्हारे? पहली तारीख को हम कोटा लेने रहे, तो अपने कई कल लगी, तो दूसरे दिन को गए सवेरे के लगी 2 बजे हमारा नंबर आया, तो हमारा नंबर काट के और सबके लिए कोटा दे रहे, तो हमने कही हमारे लिए क्यों ना कोटा दे, तो मने कर दी थे हमने कि 100 नंबर खून करेंगे 112 के लिए। तभी ने की बात पर कार्ड पकड़ो और फाड़ के फेंको, तो हमारे माल निकलने लिपटी है। कार्ड ही फाड़ दिया? हाँ। तो हम उनसे टूट के भाग के आए, तो हमारी मम्मी पर लिपटी है मारने के लिए, हमने तो 112 के लिए फोन करो। फिर बाद में अब भी नहीं ना अपने आप से मनोज ने मशीन पोत दी, तो बाद में मम्मी के लिए मारने के लिए लिपटी है। अच्छा, तो इसकी शिकायत तुमने 112 पे की? हाँ। अच्छा, तो कार्ड है आपके पास? कार्ड राशन कार्ड? हाँ। राशन कार्ड तो फाड़ना बहुत ही गलत है।
सब पूरा खा रहे थे। अच्छा, राशन कार्ड फाड़ दिया उन्होंने? हाँ। अच्छा, तो 112 फोन आपने फोन करा है? हाँ, कहीं बिल ने कहीं चलो थाने चलो, तुम थाने गए, थाने में कोई सुनवाई ना हुई, थाने में सुनवाई नहीं हुई तुम्हारी? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहाँ गए? सीओ साहब के पास गए, ओला सीओ साहब के पास गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिखाओ कागज सीओ साहब का। ये सीओ साहब के पास गए थे? अच्छा, तो सीओ साहब ने भी सुनवाई नहीं करी? नहीं। उसके बाद कहाँ गए? डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब के पास भी गए थे? हाँ। अच्छा, है कॉपी डीएम साहब वाली? डीएम साहब वाली कप्तान साहब के, पहले बताइए कप्तान साहब के गए थे? हाँ। कॉपी है उसकी? हाँ हाँ। डीएम साहब के अभी गए थे हैं वहाँ पे, वहाँ पे क्या कहा डीएम साहब ने? क्या कहा? जाके इनकारी करा दी, जांच कराएंगे। हाँ। अच्छा, उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद कहाँ गए? एसएसपी किया? एसएसपी साहब के यहाँ गए। अच्छा, एसएसपी साहब के पास। कॉपी है उसकी? हाँ। दिखाओ। तीन फेरा गए मैंने किया एसएसपी साहब के, एसएसपी साहब के पास गए तो वहाँ से कोई कार्रवाई हुई? जाके जांच करा देंगे। जांच कराएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ गए? डीआईजी के, डीआईजी साहब के पास गए? हाँ। दिखाओ कॉपी, डीआईजी साहब के पास गए। अच्छा, डीआईजी साहब ने क्या कहा? जाके जांच करा देंगे। तो जांच में कोई तुम्हारा मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ। हर जगह घूम आया है बरेली में, डीआईजी डीएम और कहीं भी एसएसपी साहब के यहाँ कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है? अच्छा, तो क्या चाहते हो अब? क्या चाहते हो? मुकदमा लिखा जाए। मुकदमा लिखा है थाने में, बमोरा थाने में। झूठी रिपोर्ट खत्म हो। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोताराम है। कहाँ रहते हो? सिंगा रहता हूँ मैं। पिछली बार मुझको भी मार चुके हैं, मैंने भी एफआईआर की बमोरा थाने में, करीब 3-4 साल हो गए। अच्छा, मारा था। किस बात को मारा था? तो मैं कोठा लेने गया था। अच्छा, कोठे। हाँ। लेने को लेकर विवाद हुआ? हाँ, कोठा लेने गए थे तो कह रहे थे कि इतना नहीं इतना देंगे, तो हमने कि इतना क्यों दोगे, पूरा दो ना। कम दे रहे थे? हाँ, कम दे रहे थे। अच्छा, तो इतनी कह पाई, इतने में वो चारों लोग डट पड़े मारने के लिए। वो तो तगड़े तगड़े हैं, मोटे मोटे हैं सब लोग घर में। वो इतने जब मैंने कहा था ना, तो इतने पर वे सब लोग मुझ पर मारने को डट गए। अच्छा, तो हाँ। इसमें आपने थाना बमोरा में कोई शिकायत करी? थाना बमोरा में एफआईआर की। हाँ। लेकिन उससे मेरा कुछ नहीं किया उन्होंने, सुनवाई नहीं हुई कोई। हाँ, कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर कहाँ रहते हो आप? सिंघा। सिंघा, जो कोर्टे पे झगड़ा हुआ था नन्नी और जो लड़का है सचिन। हाँ। क्या हुआ था? उनने गजेंद्र कोटेदार ने, मनोज ने और रामफूल ने। हाँ। इन तीनों लोगों ने घुसट करके इनको भी मारा था, इनकी धोती भी उतारी थी। हाँ। और इनके लिए, इनके लड़के के लिए कमरे में भी बंद किया था, वहाँ पे भी मारा पीटा था। मशीन स्वयं उन्होंने ही तोड़ी थी। स्वयं ने तोड़ी? आपने? हाँ। देखी ये बात? हाँ। कब की बात है ये? ये 2 तारीख की बात है। कितने बजे की? और ये करीब लगभग 3-3.30 बजे की टाइम की बात है ये लगभग। हाँ। अच्छा, तो बात ये सच है, मतलब आपके सामने हुई? हाँ, थी हमारे सामने थोड़ी थी।